हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी के पत्तों की नई रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हम एक कप चने की दाल ले लेंगे और एक कप माश की दाल ले लेंगे। लोगों को अलग अलग भिगो देंगे। जब तक मेरी दाल भीग रही है तब तक हम ये घुए के पत्तों को साफ कर लेते हैं। घुए के पत्ते मेरे इतने बड़े साइज़ के हैं, ये 15 से 20 पत्ते हैं। सारे पत्तों के नसें हम इसी तरीके से आराम आराम से निकाल लेंगे या साफ कर लेंगे। देखिए, घुइया के पत्तों की नसें इस तरीके से आप साफ कर लीजिएगा। मैंने इसी तरीके से सारे पत्ते साफ कर लिए हैं। दाल को ग्राइंड कर लिया है, अच्छे से बारीक पीसिएगा क्योंकि पत्तों में लगाएंगे तो अच्छे से ये लगेगा। दाल के पेस्ट में डालने के लिए कुछ हरे मसाले लेंगे। 8 से 10 मैंने हरी मिर्च ली है, एक लहसुन का जवा लिया है, चम्मच जीरा, छोटा सा टुकड़ा अदरक का और ये हींग, ये अफगानी हींग है, ज़रा सा डालेंगे आप, बहुत अच्छी स्मेल आती है। माश की दाल बादी होती है इसलिए इसे यूज़ करेंगे। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये मेरी चटनी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी नमक, स्वाद अनुसार डालिएगा, मैंने 1.5 चम्मच लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें आप नमक टेस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा होगा अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। अब इसमें एक नींबू ऐड कर लेंगे। अगर नींबू नहीं हो तो आप अचार का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। इससे जो घुए के पत्तों की कुनकुनाहट होती है, खाने पे लगती है, वो मर जाएगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घुए के पत्ते को ये बीच से ऐसे कट कर लेंगे, फैला देंगे इसको कट करके, और कोशिश करिएगा बड़े पत्ते नीचे रखिएगा जिससे गोल शेप में बनेगा आपका। दाल के बैटर को इस तरीके से आप लगा लीजिए। अब दूसरा पत्ता आप अपोजिट साइड से ऐसे रखिएगा, इस तरीके से, ये इस तरीके से खोल दीजिएगा। फिर इसके बाद ये गोल शेप में पूरा पत्ता बन आप करिएगा, फिर ये इस तरीके से रखिएगा जिससे ये खुलेंगे नहीं, बंधे हुए पत्ते बनेंगे। और एकदम बंधे बंधे से आपके पकोड़े बन गए, मतलब जो सेंडा हम लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मालूम नहीं, वो अच्छे से बनने के तैयार होंगे। देखिए, गोल शेप में से राउंड ले जा रही हूँ पत्तों को। इसी तरीके से गोल शेप में आप एक के ऊपर पत्ते रख के गोल शेप कर दीजिएगा और बैटर को इसी तरीके से अच्छे से लगाइएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको एक फोल्ड ऐसे करेंगे और दूसरा फोल्ड ऐसे करेंगे। अब इसमें हम इसके ऊपर दाल का बैटर इस तरीके से लगाएंगे ये चिपक जाए। फिर यहाँ से धीरे से इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, ये ऐसे किया, फिर गोल शेप में राउंड ऐसे ले जाएंगे। ये देखिए, इसके ऊपर अच्छे से ये
दाल का बैटर इसे लगाएंगे और इसको ऐसे करके जो पत्ते जहाँ से खुल रहे हैं उसमें दाल लगा देंगे, चिपक जाए अच्छे से। ये देखिए हो गया। अब इस साइड में मैं दाल ऐसे, दाल का पेस्ट इस तरीके से लगा दूंगी। अब इसी तरीके से आप सारे पत्तों का रोल बना लेंगे। ये मेरे घुए के पत्तों का रोल बन के तैयार हो गया है। अब इसे स्टीम कर लेंगे। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, मैंने गैस पर चढ़ा दिया, इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। अब इसमें जो नींबू मैंने पेस्ट, दाल के पेस्ट में ऐड किया था उसके छिलके रखे हैं, उसको ऐड। घुए के पत्ते का रोल जो होता है वो जो कुनकुनाता है वो नहीं, उससे कुनकुनाहट कम हो जाती है और आपका बर्तन नहीं खराब होगा। और इसके ऊपर छाना रख देंगे। अब पत्ते रोल को हम स्टीम के लिए रख देंगे छन्ने में। अब इसे ढक देंगे और 20 से 25 मिनट के लिए इसे स्टीम होने देंगे। उसके बाद हम बीच में से एक बार चेक कर देंगे। 20 मिनट हो गया, चेक करते ही हुआ कि नहीं, हो गया है। बस 2 मिनट के लिए और रख देंगे। चुके हुए के पत्ते के रोल, अब इसको हम निकाल लेंगे। अब इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको हल्का से मिक्स हो, चिपक गए एक दूसरे में। अब मैं घुए के पत्तों के स्लाइसेस कर लूँगी और आप भी इसी तरीके से स्लाइसेस कर लीजिएगा। पत्ते मैंने ये कट कर लिया है और एक रोल मेरा ये बच गया है। 2 रोल मैंने यूज़ किया है। अब इस रोल को मैं बाद में यूज़ करूँगी, इसके लिए मैं एक फाइल पेपर लूँगी। रोल को ऐसे रख के अब इस पत्ते को, गुए के पत्ते के रोल को मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और ये 15 दिन तक ये स्टोर कर सकते हैं, कभी भी आप बना सकते हैं। देखिए सारे पत्तों में मैंने दाल लगा लिया अच्छे से। अब इसको हम फ्राई करेंगे। सरसों का तेल मैंने पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया है, ये गरम हो चुका है ऑयल। अब मैं डाल दूँगी। मेरे पत्ते अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे मैं निकालूंगी, गर्मा गर्म सर्व करूंगी। मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। फ्राई किए हुए ये स्लाइस, जो घुए के पत्ते की स्लाइस हैं, आप इसे हरी चटनी या सॉस, टमाटर सॉस के साथ, केचप के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। बारिश के मौसम में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब मैं आपको अरवी के पत्तों की ग्रेवी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी, जो झटपट तैयार होगी और खाने में बहुत ही टेस्टी होगी। घुए के पत्ते की ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ी साइज की प्याज ले लेंगे, 1 चम्मच ज़ीरा ले लेंगे, 10 से 15 गोल मिर्च ले लेंगे। आलू को ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में। पत्तों को मैंने डीप फ्राई किया है, आप शेलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने सरसों का तेल लिया है, तेल गरम हो चुका है। अब इसमें 1/2 चम्मच मेथी के दाने डालेंगे तड़के के लिए। मेथी का दाना लाल हो चुका है। अब इसमें पेस्ट किया हुआ मसाला जो मैंने लिया था, ज़ीरा गोल मिर्च के साथ, उसको डाल दिया है। इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच मिर्चा, लाल मिर्चा अपने अकॉर्डिंग ले, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, 1 कली अचार डाल देंगे, नहीं तो खटाई भी डाल सकते हैं, खटाई नहीं था तो इसलिए मैंने अचार डाल दिया आम का। 5 मिनट तक ढककर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। मसाला मेरा अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम घुए के पत्तों के पकोड़े डाल देंगे।
इसको अच्छे से मिला लेंगे। मैं पानी डालूंगी, मैंने एक गिलास पानी लिया है, पानी को मैंने ऐड कर लिया है ग्रेवी में। अभी ये मैं 2 मिनट इसे अच्छे से ढककर पकाऊंगी। ग्रेवी मेरी बनके तैयार हो गई है। इसमें हल्का सा गरम मसाला डाल दें, इसे मिक्स कर देंगे और फिर सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी घुइए की पत्ते की ग्रेवी पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।